ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं हल्का हलचल का इस खास कार्यक्रम में। हम आपको सुबह सुबह आपके हलचल में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है। और ये सब बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जगदीश प्रजापति कालावाली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल, सबसे पहले आपके पास आऊंगा कि आपके हलके में आज क्या कुछ खास होने वाला है। मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो हलचल रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि कल महिलाओं का एक बड़ा त्योहार है करवा चौथ, और इस करवा चौथ को लेकर के जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फरीदाबाद के मार्केट शहर में जो है भीड़ जो है महिलाओं की सबसे ज्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि शॉपिंग करने यहाँ पर पहुंच रही है, अपने अपने जो मन पसंदीदा जो साड़ियां हैं या शॉपिंग है, जिस तरीके की जो आइटम है उनके, वो यहाँ पर खरीदने के लिए पहुंच रही, तो सबसे बड़ी भीड़ भाड़ मार्केट में सबसे ज्यादा संदीप देखी जा रही है, क्योंकि कल करवा चौथ है और करवा चौथ के चलते महिला काफी उत्साहित नजर आ रही है और शॉपिंग करने के लिए पहुंच रही है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से त्योहार भी नजदीक है, तो दीपावली का तो नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके चलते भी मार्केट में काफी भीड़ दिखाई दे रही है, लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं सजाने के, क्योंकि अपने घरों को जो है दीपावली के दौरान जो है वो सजाते हैं, तो यहाँ पर शॉपिंग जो घरों को सजाने के लिए यहाँ पर सामान जो है खरीदने के लिए पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में भीड़ जो है काफी तादाद देखी जा रही है। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से दीपावली नजदीक है तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो सब प्याज की बात कर ली जाए, चाहे वो हरी सब्जी की बात कर ली जाए, तमाम सब्जियां जो आ रही हैं उनके तमाम रेट जो है काफी आसमान छू रहे हैं, क्योंकि प्याज के दाम अब लगातार, प्याज का जो दाम था वो 25 रुपए था, अब जो प्याज का दाम है वो 60 रुपए किलो पहुंच चुका है। वही टमाटर की बात की जाए तो 30 से 35 रुपए किलो टमाटर पहुंच चुका है, तो लगातार जिस तरीके से त्योहार नजदीक आता जा रहा है तो उससे अब दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं सब्जियों के। वहीं तीसरी खबर की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में जिस तरीके से आज बल्लभगढ़ के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जो है फार यूनिटी राष्ट्रीय एकता के तहत नव युवक जो है मैराथन दौड़ यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूल चंद शर्मा हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर जो है मैराथन की दौड़ यहाँ पर कराने की बात यहाँ पर जो है आज कराएंगे, तो इसको लेकर के आज उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ यहाँ पर कराई है। फरीदाबाद में जो है युवाओं में जो है सबसे ज्यादा जोश देखा जा रहा है। वहीं बात की जाए तो पॉल्यूशन को लेकर के जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो मरीज है उनकी अब तादाद जो है बढ़ती जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो चपेट में प्रदूषण को वायु प्रदूषण की जो स्तर जो बढ़ रहा है संदीप, उसके चलते अब बच्चे और जो बुजुर्ग है उनका जो है जीना मुहाल हो रहा है, क्योंकि उनको सांस लेने में ज्यादा परेशानियां आ रही है, और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हॉस्पिटलों में काफी जो है भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं 2024 के चुनावों की बात की जाए तो 2024 में जिस तरीके से 2024 का चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम नेताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लोग जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आज चाहे बहुत काफ़ी कुछ हलके में आपके हलचल हो रही है, तो वहीं जगदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हलके में क्या कुछ खास है। तो मौसम में ठंडक जो बनती नजर आ रही है उसको लेकर सुबह शाम जो सर्दी है, सुबह शाम की सर्दी जो बच्चे हैं, बच्चे और बुजुर्ग हैं बीमार जरूर होते नजर आ रहे हैं, बच्चों की बीमारी के लिए उनको प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है। आज वल्लभ भाई पटेल के जो है जयंती है उसको लेकर जो है मैराथन दौड़ है कालावली में, और सिरसा में भी मैराथन दौड़ की मुख्य अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष बहुत एसपी सिरसा मौजूद रहे, और कालावली की बात करें तो कालावली में उपमंडल अधिकारी एवं डीएसपी मौका पर पहुंचे, मैराथन दौड़ शुरू की और बच्चों के द्वारा मैराथन दौड़ की गई। अगर बात करें राज्य कल्चर की तो आज राज्य कल्चर को दूर देखने को मिल रही है, लक्ष्मण न्यापा जो है डब्बावाली में कार्यकर्ताओं को मिलेंगे और लोगों को संबोधित जनसंवाद है जो उनकी ओर से किया जाएगा। संदीप सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नशा को लेकर, सिरसा में नशा को लेकर काफी संदिग्ध काफी गंभीर नजर आया है, और उनकी उनकी ओर से सिरसा दौरा किया गया था उसको लेकर सिरसा के सिरसा समय पहुंचे, जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र चलाया गया था, नशा मुक्ति केंद्र को केंद्र पर जैसे ही मरीजों से मिले और मरीजों की ओर से बताया गया कि जो लोग नशा बेच रहे हैं उनका पुलिस की छूटा दी जाती है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने काफी संज्ञान लिया और एसपी सिरसा को फटकार लगाते उन्होंने कहा कि आपको क्या नोटिस जारी करूंगा, नशा के खिलाफ जो लोग जिन लोगों ने नाम बताया था उसमें कालावली के कुछ लोगों का नाम है जो खुलकर सामने आया, पुलिस कप्तान को फटकार लगाते हुए
पुलिस कप्तान को उन्होंने नाम नोट करने के लिए बोला, और उपायुक्त महोदय को जो है जांच के आदेश दे दिए। कहीं ना कहीं देखने को मिला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नशा को लेकर काफी गंभीर नजर आए। जी संदीप, बिल्कुल जगदीश, ये आपने बहुत एक अहम बात कही है कि जिस तरह से जो है सीएम नशे को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आए हैं और यहाँ के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और क्या इन लोगों का अभी तक ट्रेस किया जा चुका है? बिल्कुल, दो दिन पहले जैसे ही मुख्यमंत्री सिरसा पहुंचने थे उसको एक दिन पहले पुलिस विभाग एडीजीपी की टीम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा 6 मेडिकलों पर छापामारी की गई और 6 को सील कर दिया गया। पहली बार देखने को मिला कि 6 मेडिकलों पर FIR हुई, लेकिन जो नाम सीएम साहब के सामने जो पुलिस कप्तान को दिए गए थे, लेकिन उन लोगों के लगा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भले ही अंदर खाते उनके नाम जरूर लिखा दिए गए हों, लेकिन उन लोगों को ना तो कोई धरपकड़ की गई है ना कोई छापामारी की गई है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो फटकार थी उसको भी पुलिस जो हल्के में लेती नजर आ रही है। जी संदीप। मोनू, आपके पास आऊंगा कि अब जिस तरह से जो है पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है ताकि लोग अपनी सेहत का यहाँ पर ध्यान रख सकें? असली में आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद में पोल्यूशन लगातार जो बढ़ता जा रहा है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय जरूर फरीदाबाद वासियों के लिए बन गया है, क्योंकि सांस लेने में जो है ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी चपेट में जो सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग वो सबसे ज्यादा आ रहा है। जब हमने इस पोल्यूशन को लेकर जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टरों ने यही सलाह दी है कि वो जो है अगर काम हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि जिस तरीके से किसान पराली जला रहे हैं, बम पटाखे की जो तरीके से कहीं ना कहीं एक आतिशबाजी जो होती है त्योहार के चलते, तो उससे पोल्यूशन का स्तर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पराली और कबाड़े में आग लगाने के दौरान ही जो सर्दियों के समय जो है पॉल्यूशन बढ़ता दिखाई देता है, तो उसके चलते अब जो है लोग मास्क लगाने का, जिस तरीके से कोरोना में मास्क लगाकर लोगों ने अपना जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखा था, इसी के चलते अब पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ रहा है, तो अब की बार जो है मास्क लगाए और जो है इस पॉल्यूशन जहरीली हवा से बचा जा सके, तो इस तरीके की सलाह एडवाइजरी यहाँ पर डॉक्टर देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी एडवाइजरी दे रहे हैं कि जो आसपास जो कूड़ा है उसमें आग ना लगाए, अगर आग कोई लगाता है तो जो है पुलिस पर फोन करे और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई कराए, तो इस तरीके की सलाह भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप। जगदीश, 2024 बस आने ही वाला है और अब ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हैं, आपके हलके में इन चुनावों को लेकर क्या कुछ अब हलचल देखी जा रही है? चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं सभी पार्टियां जो है एक्टिव होती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के विधायक हैं जो शिशुपाल केरवाला गांव गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि विपक्ष के विधायक लोगों के काम नहीं हुए, लोग नाराज जरूर दिखाई दे रहे हैं, उनको मनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह भी लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार पहले विधायक थे लेकिन भाजपा ऐसे चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं लोगों में जो रोष था उसको लेकर उनकी हार हुई, उसको लेकर अभी मनाने का काम उनकी ओर से लोगों को किया जा रहा है और डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। भाई नेलो की बात करें तो नेलो में भी काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। करण चौटाला आज डबवाली का दौरा करेंगे, इलाहाबाद रानिया का दौरा कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, परिवार जोड़ो अभियान उनकी ओर से चलाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई अगर जेजेपी जेजेपी के कुछ काम कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बताने के लिए कि आज हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है। फिलहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।